ऋषियों की जो परंपरा थी उसमें एक बात, बुरा क्या है, बुराई क्या है, किसको नहीं करना, उनके अनुसार से बुरा वो नहीं है जो बुरा दिख रहा है, उनके अनुसार से बुरा वो है जो आपको शक्तिहीन बना देता है। ओम श्री कालिके शुभ देवी सूर्यकूट निवासनी रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। अच्छा, किसी भी पूजा पाठ में चीनी की आवश्यकता नहीं है, गुड़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कारण है? दोनों तो मिठाई है, दोनों एक ही चीज से तैयार भी होता है। गन्ना से ही तैयार होता है, लेकिन किसी में कहीं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो उसमें गुड़ का ही महत्व है, चीनी का कोई महत्व नहीं है, आखिर क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि चीनी क्यों और गुड़, जबकि दोनों के कहते हैं कि जो मातृ तत्व है दोनों का एक ही है, गन्ने से ही बनना है दोनों, गन्ना से तैयार है ना, लेकिन हम चीनी को वो मान्यता नहीं देते जो गुड़ को प्राप्त है। इसके पीछे मुख्य जो कारण है, अब इसको हम दूसरे एंगल से समझते हैं। किसी भी चीज़ के प्रकृति से, प्राकृतिक नेचुरल प्रकृति है, उससे जितना ही ज़्यादा आप दूर जाएंगे उतना ही आप उसके गुण धर्म से दूर चले जाएंगे। जैसे हम दूध पीते हैं, मगर एक गाय का बछड़ा भी दूध पीता है जी, एक माँ का बच्चा भी दूध पीता है। किसी भी बच्चे के जन्म के समय कोई भी वैद्य चिकित्सक या कोई डॉक्टर से पूछा जाए कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा भोजन क्या है, तो कहते हैं माँ का दूध, सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध है। लेकिन माँ का कौन सा दूध, जो माँ के शरीर से निकले और तुरंत बच्चा पी ले, बीच में कोई और ना आए, बीच में कोई और नहीं का मतलब उसको गर्म ना किया जाए, उसको उबाला ना जाए। बछड़ा भी वैसा ही दूध पीता है, सीधा माँ के अस्तनों का दूध बछड़ा पी लेता है, वैसे ही माँ का दूध बच्चा पी लेता है। लेकिन जब हम लोग दूध पीते हैं तो क्या करते हैं, हम गौ माता का दूध लें और उसके बाद हम गर्म करते हैं फिर हम पीते हैं, ठीक है? तो यहाँ अगर बच्चे को देखें और बछड़े को देखें और हम अपने आप को देखें, तो ज़्यादा नेचुरल प्राकृतिक दूध कौन पी रहा है, बच्चा पी रहा है, बच्चा पी रहा है या बछड़ा पी रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ, बिल्कुल प्रकृति, जैसा दूध आया उसने पी लिया, ठीक है? हमारी मजबूरी होती क्योंकि हमको दूध गर्म करना है, क्योंकि उस बीच में बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वायु संक्रमण, उससे बचाने के लिए हम दूध को खौलाते हैं, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि दूध हम तुरंत नहीं पी रहे। लेकिन जो बच्चा दूध पीता है, जो बछड़ा दूध पीता है, वो दूध जितना सुपाच्य उतना हमारा वो उबला हुआ दूध नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति से थोड़े दूर चले गए। लेकिन अब दूसरी चीज, दूध से अगर हम छेना बना दें, दूध से हम रबड़ी बना दें, खोया बना दें, तो और प्रकृति से दूर चले गए और ज़्यादा। आप देखते हैं क्या पनीर सुपाच्य है, आसानी से पचता है, खोया आसानी से पचता है, सब किसी के वश की बात नहीं है कि रबड़ी को खोया को पचा दे, क्यों? क्योंकि गरिष्ठ है, क्योंकि प्रकृति से दूर चले गए। उसी तरीके से जो इंसान बहुत मिठाई खाना शुरू कर दे, वो कुछ दिनों में मोटा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उसकी तबीयत खराब होने लगेगी, जबकि दूध का ही बना है। मगर क्या किया हमने कि उसकी प्रकृति से दूर हमने कर दिया। यही ठीक गुड़ और चीनी के साथ की कहानी है। अगर हम गन्ने को देखें और अगर हम गुड़ को देखें और चीनी को देखें, तो गन्ने की प्रकृति से ज्यादा नजदीक कौन है, गुड़ है, गुड़ है, गुड़ है। और गुड़ से भी ज्यादा दूर चीनी है, क्योंकि बहुत सारा केमिकल, बहुत सारी प्रोसेसिंग उसकी हो गई है, बहुत लंबे फैक्ट्री के प्रोसेस से उसको गुजारा गया है, उसमें केमिकल डाले गए हैं, उसका बुरा असर होता है। दूसरी चीज, किसी भी तत्व को जितना ही ज़्यादा आप फैक्ट्री में तैयार करेंगे या आग पे जितना ही ज़्यादा उसको जलाएंगे, उतना ही उसकी प्रकृति बदलते चली जाती है, ऑटोमेटिक बदलती है। जबकि गुड़ भी आग पे जल रहा है जी, और चीनी भी आग पे जल रही है,
लेकिन क्या है, ये सिर्फ आग तक सीमित है, वो आग और केमिकल दोनों तक पहुंच गई। उस केमिकल के कारण से बहुत बुरा असर। अब होता क्या है, उस केमिकल के कारण से चीनी ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय हो जाती है। अगर आपके शरीर में घाव है और आप चीनी खा रहे हैं तो घाव जल्दी भरेगा नहीं, क्योंकि शरीर में जब कभी भी अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, अम्ल यानी कि जो पेट में जलन होती है ना, कभी कभी भूखे पेट हैं और पेट में जलन हो रही है, वो क्या है, वो अम्ल के कारण से वो जलन है। कभी खट्टे डकार आपने देखा होगा, पूरा सर जल रहा है, सीना जलने लगा, छाती में जलन, गले में जलन, ये क्या है, अम्ल, शरीर का अम्ल है जो बाहर निकल रहा है, उससे वो जलन हो रही है। जितनी मात्रा में किसी इंसान के शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, उतने ही मात्रा में उस इंसान का घाव जल्दी भरेगा नहीं। कैंसर क्या है, शरीर में अम्ल की मात्रा, एसिड की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही आसानी से कैंसर पकड़ लेगा। तो हम प्रकृति से दूर चले गए चीनी के मामले में, और गुड़ के नज़दीक हम हैं, उसमें हम ज़्यादा मिलावट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे, यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है, ऋषियों की जो परंपरा थी उसमें एक बात, बुरा क्या है, बुराई क्या है, किसको नहीं करना, उनके अनुसार से बुरा वो नहीं है जो बुरा दिख रहा है, उनके अनुसार से बुरा वो है जो आपको शक्तिहीन बना देता है, वो बुरा है। अब जैसे कैसे, गुड़ खाएंगे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर क्षार तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। चीनी खाएंगे आपके अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। अब अम्ल की मात्रा जो बढ़ती है, हमारे वैद्य चिकित्सकों ने कहा कि अगर एक स्वस्थ इंसान स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके शरीर में कम से कम 80% क्षार होना चाहिए, 80%, और 20% सिर्फ अम्ल होना चाहिए। अम्ल की ज़रूरत है मगर सिर्फ 20%, तब आप स्वस्थ हैं। और अगर वो अम्ल 80% हो जाए और क्षार 20% हो जाए, यानी आप बीमार हैं, है ना, ऑटोमेटिक बीमारी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, स्वस्थ रहने के लिए क्षार को बढ़ाइए। अब क्षार कैसे बढ़ेगा, जब भी खाना खाएं तो खूब चबा चबा कर खाएं, कभी जल्दबाजी में खाना ना खाएं। अक्सर मैं देखता हूं लोग जल्दी जल्दी खाना, जल्दी खाओ, एक कहावत वो जो कही जाती है ना कि मर्द का खाना जल्दी कोई दिखता नहीं है और स्त्री का नहाना, ये कहावत किसी खास दृष्टिकोण से सही हो सकती है लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल ये कहावत ठीक नहीं है। जो स्त्री उस अफरा तफरी में नहाती है, यानी शरीर की सफाई नहीं होती ठीक से, तो उसी स्त्रियों को ल्यूकोरिया और चर्म रोग और अनेकों तरह की बीमारी हो जाती है। और जो पुरुष अफरा तफरी में खाता है, चबा के ठीक से नहीं खाता है, उसी के शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ती है और बीपी की शिकायत शुरू हो जाती है ना। तो जरूरी नहीं कि हर चीज हर जगह पे सही हो। तो अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये ठीक नहीं, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने मना किया। अब जैसे आप देखिए, ऋषि कहते हैं अगर हम देखा जाए तो चीनी को मना किया जाता है, गुड़ को मना नहीं किया जाता है, क्योंकि चीनी आपको शक्तिहीन बनाती है। अब जब चीनी खाएंगे तो चीनी कैसे शक्तिहीन बनाती है आपको, कैसे आपके शरीर को कमजोर करती है, हमारे शरीर से अगर हड्डी निकल जाए, अगर हमारी शरीर में हड्डी नहीं होता तो हड्डियों के नहीं होने मात्र से पूरा शरीर मांस का एक लोथड़ा जैसा दिखाई देता, एक झोले में कस के लेके जा सकते थे हम, सिर्फ हड्डी के कारण से ही तो ये ढांचा खड़ा है ना जी। हड्डी नहीं हो तो क्या है, कुछ भी नहीं है। और हम सभी को पता है कि 40 साल के उम्र के बाद से हड्डियों के लिए कैल्शियम बनना कम हो जाता है। हड्डियों को बनाने वाला जो कैल्शियम है वो 40 साल के बाद कम हो जाता है। बचपन में बहुत तेजी से कैल्शियम बनता है, बहुत तेजी से हड्डियां बनती हैं, और शरीर का निर्माण करना है, जल्दी जल्दी हड्डियां तैयार होती, ज़्यादा ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए बच्चों का शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है। मगर 40 साल तक शरीर की ये जो प्रकृति है, इसने शरीर बना दिया। अब जब शरीर बना दिया तो फिर और क्या बनाना,
तो स्वतः वो उत्पादन कैल्शियम का कम कर देता है हमारा ही शरीर। अब 40 साल के बाद कैल्शियम का उत्पादन खत्म हो गया, मगर हड्डियों का ढांचा तो 80-90 साल तक तो रहना है, 100 साल तक रहना है ना। अब हड्डियां क्या है कि गलती भी हैं, गलेंगी तो नहीं चाहिए। अब हड्डियों के बनाने के लिए कैल्शियम की मात्रा कम हो गई और ऊपर से हम चीनी खा रहे हैं, तो चीनी क्या करेगी, शरीर से बाहर तो निकलेगी। जब निकलती है चीनी तो आपके हड्डियों का कुछ कैल्शियम और लेकर निकल जाती, चीनी अकेले नहीं निकलती, हड्डियों का कैल्शियम लेकर निकलती है, यानी हड्डियों को खोखला करती है चीनी। यही कारण है कि एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उसको। ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी है जिसमें हड्डियों का जाला बन जाता है, झरने जैसी हड्डियां हो जाती है। हड्डी है, झरने जैसी हड्डी। अब वैसे इंसान को जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, अगर वो थोड़ा भी ठोकर लगे ना, उसकी हड्डी टूट जाती है तुरंत, टूटती है तुरंत, टूटती है। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा तो कि तुरंत हड्डी टूट जाती है, और जब टूट जाती है तो जल्दी जुड़ती नहीं, जुड़ती है क्योंकि कैल्शियम नहीं बन रहा। तो एक तो कैल्शियम प्रकृति ने बनाना कम कर दिया, और ऊपर से हम चीनी खाकर और हम अपनी कैल्शियम को कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम अपने लिए अपने खुद के दुश्मन बन रहे हैं, नुकसान ही तो कर रहे हैं ना जी। इसी चीज को हमारे जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जो भी जानकार हैं, उन्होंने मना किया, क्योंकि कोई भी पकवान बनेगा, कोई भी मिठाई बनेगी। अब जैसे हमारे सनातन परंपरा में 56 भोग बनाने की परंपरा, 56 भोग, और 56 भोग आज भी बनते हैं। राजस्थान के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग के पकवान चढ़ाए जाते हैं, आज भी 56 प्रकार के भोजन जी। मतलब ये देखिए, विश्व के इतिहास में हमारी संस्कृति कितनी अमीर संस्कृति है कि दुनिया को पता भी नहीं होगा कि 15 या 20 तरह का खाने कैसे होते हैं, यहाँ तो 56 किस्म के पकवान हमारे पास में उपलब्ध है भारत में। आपके इस बार बाबा जी के पास हम लोग ध्यान के लिए गए थे, तो बताया उन्होंने कि हम तो हाँ अन्नकूट वाले पर्व के दिन, उस दिन बनाए, उसी दिन बनता है 56 भोग। अब मेन महत्वपूर्ण बात ये है कि पकवान तो बनेगा पर्व में, और पकवान बनता ही है शौक से खाने के लिए और ज़्यादा खाने के लिए, कम थोड़ी खाते हैं पर्व के दिन, आप ज़्यादा खाते हैं क्योंकि अच्छा बना है। अब ज़्यादा खाएंगे और अस्वस्थ खाएंगे तो आप और ज़्यादा अस्वस्थ हो जाएंगे ना, और उसमें सब में क्या है, पकवान का मतलब क्या, मीठा। जैसे आपने ज़्यादा खाया जी, ठीक है जी, और ये चीनी का बना जी, और आपने इसको ज़्यादा खा लिया, तो क्या होगा इससे कि ज़्यादा खाएंगे, एक तो पाचन में लोड पड़ेगा, लेकिन पता चला उसमें सुपाच्य नहीं है जो चीनी, उसको भी आपने डाल दिया, तो एसिड की मात्रा और बढ़ जाएगी। ये तो है, उससे क्या होगा कि आपके शरीर को नुकसान हो जाएगा। बच्चों को भी आप कहाँ रोक पाते हैं पकवान, जिस दिन होली दीपावली में जब अच्छे पकवान बनते हैं तो बच्चों को समझाया जाता है बेटा ज़्यादा मत खाना, लेकिन कहाँ मानते हैं, खा ही लेते हैं, बड़े खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बच्चा वही बात है, बिल्कुल।